जल्दी से उस चीज को फिल करना है। आपने कब करना शुरू किया था? मेरे को कितना टाइम हुआ, अभी सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। वो जो एक लड़का लड़का तो नहीं, गुरुजी बोल सकती हूँ उनको, जी, उन्होंने मेरे को इस चीज के बारे में बताया था कि फोटो कौन सा लेकर मंत्र था उस वो? पर लिखना। वो मंत्र साधना जैलन है ना जिनका, जी जी मंत्र साधना, साधना मंत्र वो वाले जी गुरुजी है हाँ जी, हाँ जी। जी, कौन सा मंत्र था? वो कुछ ऐसे था, कुछ मतलब याद नहीं मेरे को, मतलब बगला मुखी वश में करूँ कुछ ऐसे था। मतलब उन्होंने मेरे को हिंदी में भी और उस लैंग्वेज में भी लिखा था, हिंदी टाइप इंग्लिश में भी लिख कर दिया था। अच्छा, तो कितने दिन में उसने काम कर दिया उन्होंने उसने? बोला कितने कि हाँ जी, दिन में काम कर दिया? ये तो मैंने जैसे रात को लिखा था है ना, तो अच्छा मेरा अगर नेक्स्ट डे सुबह को ही ये मतलब शुरू हो गया कॉल आना। पहले जी, कॉल बिल्कुल नहीं आती थी, फिर कॉल आना शुरू हो गया एकदम से। अच्छा, और मैं एकदम इतनी हैरान हूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काफी यकीन करती हूँ। आपको ये साइंस तो पढ़ा ही होगा आपने, जानते जी होंगे। तो मैंने काफी चीजें अपनी लाइफ में लाई है, जैसे मोबाइल हो, दोस्त हो, स्कूटी है, और बट कुछ चीजें हैं अभी भी जो मैं करना चाहती हूँ। और बट भी कभी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कम पड़ जाता है, इसलिए मैं अभी मेरा इंटरेस्ट इधरली साइड है, मंत्रों में। अच्छा, तो मैं ये चीज तो सीखना चाहती थी, बट अभी आप को क्या बताऊं, मेरा भी मैं इंडिया में कम ही हूँ, इधर मैं नहीं रहूंगी, मेरा बाहर का प्लान हो रहा है। मेरे घर वाले चाहते कि मैं बाहर चली जाऊं, अच्छा तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मतलब सीखना चाहती हूँ आपसे। जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं गुरदासपुर से हूँ, पंजाब से। हाँ अच्छा, जी, तो मतलब कैसे रुझान हुआ आपका इस तरफ? मैं कह सकती हूँ क्योंकि मम्मी मेरे खास मम्मा बोलते हैं कि हमारा जो शिव भगवान है ना, उनका हमारा हमारे फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। तो वो मेरे को हर बार बोलते हैं कि तुम मतलब इस चीज में जैसे तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, तुम भक्ति नहीं करती ये वो ऐसे। जब मैंने वो चीजें स्टार्ट करनी शुरू की और मैंने जब अच्छा अच्छा भी बोलती हूँ, चलो हो जाता है, क्योंकि मेरी जीभ भी है ना, जो मेरी जबान है उस पर काले काले दाग धब्बे अच्छा बहुत अच्छा है, काली जीभ वाली हो तुम? अच्छा, काली जी वाली हूँ। तो बुरा भी बोलती हूँ तो हो जाता है, हाँ वो मैंने तो होना काफी ही बार है, आजमाया बट अभी नहीं। ये मंत्र का काम थोड़ी तो तुम्हारी जीभ का काम था, उस काली जीभ ने किया सारा कुछ। काली जीभ ने, जी अब मानोगे नहीं गुरुजी, मैंने ना मतलब मैं छोटी छोटी चीजें करती हूँ। जैसे मान लो कि मैंने ना ऐसे आजमाया कि मुझे ना चॉकलेट्स चाहिए, मुझे इतनी चॉकलेट्स चाहिए इतनी। तो एक दिन के बाद ना घर पर ऐसे मेरा कोई फ्रेंड आया तो कितनी सारी चॉकलेट्स लेकर आया। फिर हाँ मैंने वही एक ना, बार ये आजमाया जो काली जीभ वाले होते हैं, ठीक इनकी जो शक्ति चाहिए। होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है, जो ज़रा सा सोच लें वो पूरा हो जाता है उनका, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही ना चाची के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया मम्मी का। मैं ऐसे अच्छा भूखी थी, स्कूल से आई, मैंने ऐसे बैग रखा और मैं ना खाना खान कर लगी थी। अच्छा तो ना ऐसे मेरी चाची आके ना घर पर बोली, तुम्हारी मम्मी ऐसी है वैसी है ये वो। मैंने सोचा कि यार इसमें मेरा क्या कसूर है, मम्मी मम्मी ने अगर कुछ कहा तो मम्मी से बात करो। जी तो मैंने ना ऐसे रोने लगी दिल में से, जैसे मुंह से कुछ नहीं बोला, दिल में से पता नहीं क्या कुछ निकल गया। जब वो घर गई अपने, तो चाय चूई उबाल रही थी, वो चाय का जग था वो सारा ऊपर गिर गया उसके ऐसे। अच्छा, तो पता नहीं मतलब, और भी बहुत एग्जाम्पल है, गलत भी होता है, बट हाँ मैं ऐसे वही, अभी शब्द अगला नहीं वीडियो यूज मुझे करती। इसलिए बनाना पड़ेगा कि काली जीभ वाले से बच के रहो। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, काली जीभ वालों से बच के रहना चाहिए। फिर ऐसा जो होता है, जब दूसरों के लिए अच्छा बोलती हूँ ना, तो मेरे पर बार मतलब मैं उस चीज की मतलब जैसे क्या बोलूँ कि मेरे पर ना वो चीज चढ़ जाती है, बारीपन सा हो जाता है। तो मैंने अच्छा इधर किसी को, वो बोल रहे थे कि उनका बेटे का वीजा नहीं लग रहा था, तो आंटी बोले कि ऐसे ऐसे करके ना तू प्रे कर मेरे लड़के के लिए, जैसे कन्या करती है ऐसे। चलो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने की तो पता नहीं कितना महीना 2 महीने हो गया था उसका वीजा नहीं आया। जब मैंने वो चीज की, मैं कह कि कोई बात नहीं आंटी आ जाएगा,
ब्रदर का वीजा, और 3 दिन 3 4 दिन के बाद पता चला कि वो तो चला भी गया, वीजा भी आ गया अगले दिन ही ऐसे। अच्छा, कहाँ से बोल रही हो अभी तुम? बोलते हैं कि जब तुम दूस हाँ जी तुम तो काफी काम आ सकती हो, कहाँ से बोल रही हो? मैं गुरदासपुर। गुरदासपुर से हूँ, गुरदासपुर अच्छा, गुरदासपुर से हूँ। अगर कोई प्रे करनी होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। कोई बात नहीं, मैं कर जी दूंगी, तो अभी बट क्या मेरे समस्या को आ रही है वो अभी बताइए। इस चीज में हो ना, मेरे को आप अभी जैसे आपने इन चीजों की स्टडी भी की है, तो मैं आपसे ही पूछना है कि मैं किन को कौन कौन सी सावधानियां यूज करूं कि अगर मेरे में ये देखो चीजें ऐसा कभी होता है कभी तो कि जिनकी जीभ काली होती है उनको वरदान होता है और उनको ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। आपको मेडिटेशन करनी ओके चाहिए, उससे जो है ये शक्ति और भी निखर कर आएगी। ओके जी एक चीज बता दो आप मेरे को, जैसे मैं कुछ जाप करूं तो उसका भी थोड़ा बहुत मेरे पर हो। अच्छा, तो किस मतलब चाहती क्या हो, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं वो बताओ। जैसे कुछ भी बोलती हूँ ये तो 100% श्योर है, सिर्फ मेरे मम्मी पापा को ही पता है कि वो मतलब ये चीज होती है, वो भी मेरे को ऐसे आप जैसे मना करते हो ना, वो भी मेरे को मना करते हैं करने के अच्छा लिए कि ऐसा फालतू नहीं बोलना। तो मैं चाहती हूँ कि एक वो चीजें मतलब ना बड़े जो मैं चाहती हूँ, और जो जो मेरी आकर्षण शक्ति है जैसे अच्छा वो सुंदर भी बनना बड़े चाहती पहले हो, जैसे। हाँ जी सुंदर बनना चाहती हो। सुंदर तो मैं हूँ ही अच्छा, मैं कह सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में अभी कुछ चल रहा है ना, कुछ थोड़ा बहुत जैसे एक के साथ मेरी एक पर्सन मेरी लाइफ में है, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, तो बीच में आकर ना मैंने कुछ ऐसे ही गलत टेबलेट लेनी शुरू कर दी, मम्मी पापा का कहना मानना छोड़ दिया, बाल भी काट लिए थे किसी ने, ऐसे बहुत कुछ हुआ घर पर, बट फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़े टाइम बाद वो सब सही हो गया, बट जो रिलेशन में गैप पड़ जाता है ना वो चीजें आ चुकी है, बट जी फिर भी मैं एक ही जिद थी कि मुझे रिलेशन को ठीक करना है करना है करना है, सब चीजें हो रही है, और मैंने पता नहीं कितनी बार ये बोल बोल चीजों को बोल बोल कर ना, सोच सोच कर पता नहीं कितनी बार बंदों को भी पर्सन को भी अट्रैक्ट किया, बट मैंने कभी अच्छा, गलत नहीं मिस यूज किया है कि हाँ अगर ये बंदा मेरे साथ इतना करता है तो मैं इससे इतने पैसे ले लूं, अभी भी इतने लोग हैं मेरी लाइफ में कि वो जान देते हैं, अगर मैं उनको ये बोल दूंगी कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए तो झट से वो मेरे को दे भी दे सकते हैं, बट मैं ऐसे ऐसी चीज नहीं करती, ऐसी नहीं सोचती, नहीं, फिर लालच तो नहीं तुम्हारी रखती इस शक्ति चीज चली में। जाएगी। हाँ अगर तुम जी पैसे लेने लग गए तो फिर शक्ति चली जाएगी, फिर नहीं 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 वो रहेगी। नहीं चीज करती हूँ मैं, वो जी नहीं करती ऐसा कुछ नहीं, हाँ कि किसी का मन हो देने का वो चीज मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट एज ए मुंह से नहीं बोलती हूँ। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि ऐसे ही किसी के साथ केस हुआ था। पहले तो उसके सारे काम हो रहे थे, लेकिन जैसे उसने पैसे लेने शुरू किए तब से काम बंद हो गए। नहीं नहीं पैसे नहीं कुछ भी ना, एक चीज और बताती हूँ, इधर ना एक मंदिर है, उधर शिव मंदिर है बहुत बड़ा अच्छा प्राचीन काल से, तो उधर क्या हुआ कि ऐसे हम गए थे माथा टेकने, मेरे चाचा की मैरिज थी गुरुद्वारे में तो साथ में मंदिर था, तो अच्छा हम चले गए सब लोग उधर, तो उन्होंने ना अब गुरु जी टीका लगाया माथे में, जैसे जिधर थर्ड आई होती है ना उधर, तो वो टीका मतलब वही चंदन कुमकुम वही चीज होती है ना, जी यो येलो कलर का होता है, जी जी अष्टगंध तो हुआ क्या कि मम्मी ने भी लगवाया सबने लगवाया, तो जी जब मेरी बारी आई ना तो मैंने टीका तो लगवा लिया, तो मैंने उसको बिल्कुल भी हटाया नहीं, ऐसे रहा, बाद में क्या हुआ कि 1 मंथ तक वो निशान वैसा का वैसा ही रहा मेरे माथे पर, तो अच्छा, उसको मैं ना जैसे नेल से ऐसे खुरदती थी रगड़ती थी तो वो बस मांस 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 ऐसे निकलता था जैसे सिकरी सी होती है, तो डॉक्टरों के साथ भी कंसल्ट किया था बहुत कि ये क्या स्किन प्रॉब्लम है, अगर इन्फेक्शन हो गई है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए कि हमें इस चीज की कोई समझ नहीं आ रही पता नहीं क्यों क्या, फिर बाद में इधर ना गुरुद्वारा था वो जो नागिया ना बोलते हैं नागों का गुरुद्वारा होता है मंदिर, अच्छा तो उधर की जो रख होती है ना रख लेकर उसको पानी में जल में मिलाकर उसको थर्ड आई के एरिया में लगाया 2 बार, जिस 2 बार लगाया फिर वो निशान मिट गया था, बाद में नहीं आया वो निशान, अच्छा वो अच्छा कभी कभी टाइम होता है मम्मी बोलते हैं कि वो चीज जो निशान है ना कुछ पता नहीं कौन सा सीजन होता है कौन सा टाइम होता है वो बोलते हैं कि चमकता है, तो वो भी मेरे को बोलते हैं कि ऐसे फालतू चीजें छोड़कर
भक्ति की ओर लग गए, ऐसे कुछ कर मतलब गड़बड़ी, ऐसे फालतू अच्छा लोगों अच्छा को छोड़ दे, ज्यादा टाइम जो खराब कर दिए इधर उधर, तो वो भी ऐसे ऐसे बोलते हैं। मतलब ये चीज हुई थी मेरे साथ अभी। अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है। तो अभी क्या चाहते हो हाँ, आप? ये तो अभी मैं चाहती यही हूँ कि आप मेरे को कुछ मंत्र साधना बताएं जिसके साथ मैं अपने सब रिलेशन सब कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने अपनी सोच से सब कुछ खराब करके रखा था। अभी मैंने सोच को ठीक किया है, बहुत चीजें अच्छी देखो हैं, बहुत ऐसा है प्यार कि मिल जो रहा है तुम्हारे सबसे। विचार होते हैं ना, बस हाँ उन पर कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। अच्छे विचार अच्छा भविष्य लेके आएंगे, बुरे विचार तुम्हें और खराब कर देंगे। तो विचारों पर कंट्रोल करना सीख लो, दुनिया कदमों पे आ जाएगी। ओके, इसमें मेडिटेशन भी करना होता है, वो भी चीज करूं? मैंने तो जी पहले पहले किया था, बाद में तो नॉर्मली ऐसे मौन ही रखती हूँ और तो कुछ नहीं। जी जी मेडिटेशन करो, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा इसमें। कितने घंटे करते हो आप मेडिटेशन? पहले सिर्फ करती थी जैसे 15-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा ऐसे। अच्छा, जितना ज़्यादा उसके धीरे धीरे वो लेवल बढ़ाओ ना। जैसे एक महीना जो शुरुआत का पहला महीना होगा उसमें 10 मिनट होगी, फिर अगले महीने में आधा घंटा, ऐसे उसको ना बढ़ाते जाओ। तो एक टाइम ऐसा है कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि टाइम कैसे निकल रहा है। और एक चीज और कि इसमें ना जैसे कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, तो कुछ अच्छा सोचती हूँ ना, तो मेरे सामने ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे मैं पता नहीं आपको कैसे बताऊँ, मैं नॉनवेज, मैंने एक टाइम में नॉनवेज छोड़ दिया था, अभी मेरे नॉनवेज फिर खाना शुरू कर दिया। उसका कुछ गलत असर होता है इसमें? वो तो होना ही है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मतलब जैसे देखो मंगलवार को बोलते कुछ हैं ना, कुछ मैं लोग मंगलवार ना, को भी मैं नहीं बता रहा खाती, हूँ तुम्हें, वीरवार को भी नहीं खाती। नॉनवेज खाने को अच्छा तुम खा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी स्थिति है वहाँ पर तुम्हें नहीं खाना चाहिए, जी, वरना ये जो शक्तियाँ हैं ये बुरा असर भी डाल देती हैं। हाँ ये क्योंकि बात तो कुछ लोग है। गिफ्टेड पास होते हैं, एक उनको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी फिर भी मैं आपको अपना बर्थ ऑफ डेट सेंड करूं? हूं तो मैं थोड़ी एडवांस ही हूँ, 8th मंथ में हुई है, मम्मा ने बोला 8th मंथ के स्टार्टिंग में, तो अच्छा टाइम से भी पहले। तो अच्छा अच्छा तो मुझे भेजो डिटेल फिर व्हाट्सएप पे, मैं मैं देखता हूँ फिर क्या कुछ है। ठीक है, मैं अभी आपको सेंड करती हूँ सब कुछ, जी टाइम भी और डेट ऑफ बर्थ भी सब कुछ। ठीक है जी, ठीक है, ओके 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 जी।